हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड रीप्ले। ये वाले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धीरज धोपर और ईशा रुगानी के सीरियल रब से है दुआ के बारे में, जो कि जी टी वी पे करंटली एयर होता है। करंटली जो सीरियल है वो एक काफ़ी मुश्किल फेज से गुजर रहा है, काफ़ी चैलेंजेस ये वाले सीरियल को फेस करने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर सीरियल जो है वो काफ़ी स्मूथली चल रहा था लेट नाइट वाले टाइम स्लॉट पे, और टीआरपी रेटिंग्स में काफ़ी सही परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन गाइज, अब जैसे इसकी टाइम स्लॉट जो है वो शाम की कर दी गई है, काफ़ी अर्ली वाली कर दी गई है, और टाइम स्लॉट में जब इतना बड़ा चेंज आता है तो टीआरपी में भी बड़ा चेंज ही आना था। तो टीआरपी में भी काफ़ी बड़ा चेंज आया है पिछले कुछ हफ्तों में, जब से इनकी टाइम स्लॉट चेंज हुई है। शो की टीआरपी 0.3 या फिर 0.4 वो वाली फेज में चली गई है। एंड करेंटली जी टीवी के लोएस्ट टीआरपी शोज़ में रब से है दुआ का भी नाम हमें देखने को मिल रहा है। एंड इसी के चलते दौरान रब से है दुआ करेंटली अंडर स्कैनर आ चुका है, यानी कि ऑफ एयर के खतरे में आ चुका है। आने वाले वीक्स में मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसी ना किसी तरह से टीआरपी बढ़ानी पड़ेगी, एंड बहुत से मेजर ट्विस्ट भी आपको देखने को मिलने ही वाले हैं, बिकॉज मेकर्स अब अपना पूरा बेस्ट ट्राई करेंगे किसी ना किसी तरह से सील की टीआरपी रेटिंग बढ़ जाए। देखो, अंडर स्कैनर का मतलब ये है कि ऑफ एयर का खतरा मंडराया रहा है सीरियल के ऊपर, और अगर आने वाले हफ्तों में टीआरपी नहीं बढ़ती, जो कि जी टी वी काफ़ी चेक करने वाला है कि बढ़ जाए, और अगर नहीं बढ़ती तो जी टी वी वाले फिर ऑफ एयर का नोटिस भेज देंगे सीरियल की टीम को। यानी कि फिलहाल के लिए ऑफ एयर का नोटिस नहीं है, लेकिन आप इसको एक वार्निंग समझ लीजिए कि अंडर स्कैनर आ गया है सीरियल। आने वाले हफ्तों में अगर शो की टीआरपी परफॉर्मेंस ऊपर जाती है, जो कि काफ़ी अनलाइकली है, जिसके चांस काफ़ी कम है, बिकॉज टीआरपी रेटिंग लेकर आना वो वाली टाइम स्लॉट पर, मुश्किल वाली टाइम स्लॉट पर और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है सीरियल के लिए, तो अगर उस पर टीआरपी बढ़ जाती है तो सीरियल बच जाएगा एंड उससे जो ऑफर का खतरा है वो हट जाएगा। लेकिन अगर टीआरपी रेटिंग नहीं बढ़ती और ऐसी ही रहती है जैसे कि 0.3 या फिर 0.4 और स्लाइड सा भी चेंज अगर हमें इसमें देखने को नहीं मिलता, तो फिर शो ऑफ एयर चला जाएगा और शो वालों को ऑफ एयर का नोटिस भेज दिया जाएगा। इसी करके आने वाले ट्रैक्स में हमें गज़ल की रिटर्न भी देखने को मिलने वाली है, जो कि पिछली जनरेशन में हुआ करती थी। एंड ये सब के चलते हुए रब से दुआ के जो फैंस हैं वो भी यही चाहेंगे कि शो की टीआरपी रेटिंग किसी ना किसी तरह से बढ़ जाए, लेकिन काफ़ी सारे फैंस हैं जो कि अवेलेबल ही नहीं होते कि शाम के टाइम स्लॉट पर वो इस सीरियल को जी टी वी पर देख पाएँ, बिकॉज ओरिजिनल टाइम स्लॉट पर तो काफ़ी फैंस देखते थे। और ये सीरियल एक ऐसा है जो कि कई बार ऐसे अंडर स्कैनर आया है, कई बार ऑफेयर के खतरे में आया है, लेकिन बार बार टीआरपी रेटिंग इसकी एकदम से इंप्रूव हो जाती होती है, बहुत अच्छे इंक्रीज आ जाते होते हैं, और ये ऑफेयर के डेंजर से आराम से बाहर निकल जाता होता है। लेकिन वो बात थी इसकी ओरिजिनल टाइम स्लॉट की, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो इसकी नई वाली शाम की टाइम स्लॉट की कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, कम बैक कर पाएगा टीआरपी में या फिर नहीं, और ऑफ एयर के डेंजर में यहाँ से भी बाहर निकल पाएगा या फिर नहीं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा रब से दुआ को बंद होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में जी टी वी के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।